और हमें ऐश सर के पूरे विजन पर हमें 100% जो है फेथ है और उसी पर हमें लगातार काम करना है, अपने काम पर फोकस करना है। तो थैंक यू। सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। देखिए, एआई की रेस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस पूरे वर्ल्ड में लगी हुई है बड़ी बड़ी कंपनियों की। आपने मिस्टर ऐश को भी लास्ट अपडेट में सुना था और ये पॉइंट अलग से मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, ये जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं, तो ऑन पैसिव क्या इसमें इन सबको जो है इनके साथ कंपटीशन में रह पाएगा या और बेहतर तरीके से जो है हम निखर के सामने आएंगे। तो बिल्कुल इसको वीडियो में आखिरी तक आप बने रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अभी आप कंपनियों का दौर देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो या और अदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत आगे निकल चुकी हैं और ऑलरेडी कई कंपनियां बहुत ज़बरदस्त यहां पे काम कर रही हैं और टूल जो है इसमें फ़ायदे वाले हैं या नुकसान वाले हो रहे हैं इसको कोई नहीं देख रहा है। सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भैया कोई किसी भी तरीके से बस हमें टॉप पर जाना है। और इसमें कई कंपनियां तो अच्छा काम कर रही हैं लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ भी किया जा रहा है, जो चम के यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है जिसमें वॉइस चेंज करके, मतलब आप देखेंगे कि बिल्कुल रियल आवाज़ है, मतलब आपको लगेगा कि सामने वाला बंदा जैसे वो बिल्कुल एकदम रियल बोल रहा है। आपने कहीं देखा होगा कहीं सेलिब्रिटी की आवाज़ बिल्कुल रियल आपको नज़र आती है लेकिन वो एक्चुअल में जो है AI द्वारा बनाई जाती है। मतलब कहने का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो यूज़ तो उसका सही भी हो सकता है लेकिन उसका गलत यूज़ करके कई चीज़ें जो है प्रेजेंट की जाती हैं। सही, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम यहाँ पर मिस्टर ऐश जब यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस में कई कंपनियाँ हैं जो दौड़ में लगी हुई हैं लेकिन हम जो यहाँ पर चीज़ें आएंगे वो सही और एकदम लीगल चीज़ें ही करने वाले हैं, तो हम AI का जो है गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा क्योंकि सारी चीज़ें जो है एकदम रियल नहीं होती है मार्केट में। क्योंकि कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की भी अगर बात करते हैं, किसी का हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, बट वो भी कॉपी पेस्ट का यूज़ करके ही जो है डेटा वगैरह का यूज़ करके ही सामने आते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे लिए, खासकर ऑन पैसिव के लिए चैलेंजिंग होगा तो इसमें कोई शक नहीं है। ये सही बात है कि हम सबके लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि रियल चीज़ें आना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, कई जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उनके ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया है कि हमारा डेटा का यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पर जो कई चीज़ें हैं जो कि जो प्राइवेसी को जो है शेयर किया जा रहा है। तो ये हमारे पास भी कई ऐसे बहुत सारे अभी टूल अवेलेबल हैं, आप देखेंगे जो प्ले स्टोर वगैरह में भी जो आपकी प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं शेयर करते हो, पता नहीं चलता है। तो इसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी उसमें और भी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी जो पावरफुल तो होंगी लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। अब ऑन पैसिव की अगर हम यहाँ बात करते हैं, जब यहाँ पे कहा जा रहा है, मिस्टर ऐश ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है सही चीज़ें और अच्छे ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा AI टेक्नोलॉजी को, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं ऑन जॉय प्रोडक्ट की, जो बहुत बढ़िया एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म होगा, साथ ही साथ जो है और भी हमारे वो ब्लेस है इसके अंदर जिसका हम यूज़ करेंगे, सही तरीके से कैसे इसको यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की भी बात करते हैं तो हमारे प्राइसेस भी इसमें कम होगी और AI का भी ये कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपके डेटा को सेफ रखने की बात कही गई है जो कि दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं करती है। देखिए, डेटा तो सबके पास आ जाता है, ऑन पैसिव के पास भी जो है डेटा आपका जाएगा, दूसरी कंपनियों में जाएगा, लेकिन उसको यूज़ करके उसकी प्राइवेसी का, मतलब आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसका यूज़ किया जाता है दूसरी कंपनियों द्वारा, उसको बेच करके और तरीके से। लेकिन ऑन पैसिव में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट तो हमारे आएंगे ही आएंगे, उसका सही यूज़ भी किया जाएगा, बट दूसरी कंपनियों की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे इंटेलिजेंस बेस्ड होने वाली है, बट इसका कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए यहाँ पर हम पिछड़ेंगे या कुछ होगा इस बात की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे ओ कनेक्ट को पिछले 2-2.5 साल में इस लेवल तक लेकर के आ गए हैं तो हमारे पिछड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। टेक्नोलॉजी इसलिए टाइम जरूर, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत टाइम लगा है लेकिन टेक्नोलॉजियाँ ऐसे ही काम करती है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में हमारा किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाएगी ऑन पैसिव में, कैसे यहाँ पे बैकएंड पे आपको जो एम्प्लॉई है, हमें लगता है कि यार बहुत कम होंगे, लेकिन आपने देखा होगा लास्ट कुछ अपडेट पहले मिस्टर ऐश ने इस बात का भी जिक्र किया था, कई सारी चीज़ें जो हमें खुल के नहीं बताई क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बैकएंड पे काफ़ी सारा काम हो रहा है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा स्टाफ जो है बैकएंड पे ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टाफ है जो काम कर रहा होगा, डेटा सेंटर्स को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। अप्रैल कई ऐसे टूल भी हमारे तैयार किए जा रहे होंगे डेफिनेटली जो
जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हम यहाँ पे अगर काम करेंगे फ्यूचर में, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमें काम कर रहे हैं। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज कम है। लेकिन डेफिनेटली ये बात 100% है कि एज सर जिस विजन के साथ में चले हैं, ना सिर्फ यहाँ पे कुछ लोगों की बात है, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स की बात है, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे उन्होंने बात की है, तो डेफिनेटली हम सब के लिए एक कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें वो करेंगे फ्यूचर में, जो याद रखा जाएगा, जिनको कई सालों तक याद किया जाएगा। तो डेफिनेटली हम पिछड़ने वाले नहीं है दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आते आते जैसे जाएंगे तो अपडेट्स भी हमें बहुत सारी मिलने वाली हैं। और कई लोग बोलते हैं अपडेट से क्या होगा भैया, अब तक आप अपडेट्स नहीं लोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और जब भी होंगी बैकहेंड पर हमें देखने को मिलेगी, और हमें एश सर के पूरे विजन पर हमें 100% जो है फेथ है, और उसी पर हमें लगातार काम करना है, अपने काम पर फोकस करना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।